सो हमने कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज किया कि ये होते कैसे हैं। देखिए, फिजिक्स मैंने कहा था, फिजिक्स क्या होता है, बेसिकली जो नेचुरल फिनोमिनन है उनके पीछे का रीजन जानना इस फिजिक्स। आप उस रीजन को जानते हैं, जैसे कि न्यूटन के बारे में सुना है, न्यूटन ने क्या करा, पेड़ पे से एप्पल गिरा तो उसने देखा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, इसने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, और वो सोचने से उसने ग्रेविटेशन नाम की चीज को इन्वेंट किया। ओके, सो ये जो चीजें डिस्क्राइब हो रही हैं, जो डिस्कवर हो रही हैं, वो क्या है बेसिकली, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ बेसिक फिनोमेना के बेसिस पे ही होता है। ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ा वो चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज, जैसे हमने देखा लाइट, लाइट आप डेली देखते हैं, ठीक है, डेली इसका यूज करते हैं, बट आपको पता ही नहीं कि ये कितनी खास चीज है, कि इसकी वजह से क्या क्या चीजें हो जाती है। अब इसकी वजह से एक चीज और होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है, लाइट की वजह से। आप आपके फ्रेंड से, आप लेट से इंडिया में हो और आपका फ्रेंड कहीं यूएस में बैठा है, आप उससे मोबाइल पे चैट कर रहे हो या वो व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, तो वो जो चैट कर रहे हो, ठीक है, वो जो चैटिंग हो रही है, वो चैटिंग होने के लिए लाइट जरूरी है। वो चैटिंग होने के लिए लाइट का होना जरूरी है। आप चैटिंग इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि वहां पे लाइट है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप देख पा रहे हो इसलिए आप चैटिंग कर पा रहे हो, बंद कर दोगे तो अंधेरा हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दिस। इट इज कि आप जो मैसेज भेज रहे हो अपने फ्रेंड को जो यूएस में बैठा है और आप इंडिया में बैठे हो, वो मैसेज जो जा रहा है, वो मैसेज भी लाइट के थ्रू जा रहा है। इट इज गोइंग थ्रू लाइट। लाइट के थ्रू कैसे जा रहा है, चलिए उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक बेसिक सा फिनोमिना, बिल्कुल सिंपल। मैं मान लेता हूं कि एक बहुत बड़ा पानी का टब है, इतना बड़ा। ओके, ये एक पानी का टब है, इसमें हमने पानी भर दिया ढेर सारा। लेट्स से कि हमने इसको ऐसा पानी से भर दिया। ऐसा इसको पानी से भर दिया और दिस इज टब, इसको इस तरह से। ओके, और यहां पे मैंने एक कॉइन रख दिया। ओके, एक कॉइन रख दिया, तो क्या होगा, कॉइन में वही रिफ्रैक्शन होगा, वो मुझे ऊपर तरफ दिखाई देगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। तो मैं मान लेता हूं कि इस वक्त जो है एक लाइट रे कुछ ऐसा कॉइन से निकलती है नीचे से और ऐसा ऊपर की तरफ जाती है। तो यहां से अगर मैं इस कॉइन को देखूं तो मुझे कॉइन की पोजीशन, बिल्कुल जहां पे कॉइन है वहीं दिखाई देगी, उसमें कोई ऐसा ऊपर उसकी हाइट में कोई चेंज मुझे दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा टिल्ट होता हूं, मैंने देखा कि जब लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक करती है, तो इस तरह से स्ट्राइक करने पे ऐसा कुछ एंगल बना, I1 इंसिडेंस एंगल, और लाइट जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम बोलेंगे R1। सिमिलरली, जब मैंने अभी मैंने यहां से देखा था ऐसा, तो यहां से जो है मुझे कॉइन यहां पे दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर यहां पे कुछ। फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा और उधर अपने आप को शिफ्ट किया, तो मैंने ये देखा कि ये लाइट रे ऐसी टकराती है, इट इज गोइंग लाइक दिस, और यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करने पे यू विल फाइंड कि ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होके कुछ ऐसी चली जाती है, और फाइनली आपको जो कॉइन है वो थोड़ा सा और ऊपर दिखाई देता है, समवेयर हेयर। इसे हम बोल देते हैं एंगल I2, इंसिडेंस एंगल, एंड दिस इज द रिफ्रैक्शन एंगल 2, ठीक है, सेकेंड रिफ्रैक्शन एंगल। सो लिसन इट वेरी केयरफुली, यू विल फाइंड कि जैसे जैसे
मैं इधर शिफ्ट होते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इधर खसकते जा रहा हूँ, वैसे वैसे कॉइन आपको और ऊपर उठता हुआ दिखाई देता जा रहा है, धीरे 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 कॉइन ऊपर आता जा रहा है। यू विल फाइंड दिस, आप देख सकते हैं हमने आईज यहां रखी थी तो कॉइन ये नीचे आ गया था। दिस इज P1 पोजिशन, दिस पोजिशन इज P1 एंड दिस पोजिशन इज P2। तो P1 पोजिशन पे था कॉइन, अब फिर P2 पोजिशन पे हो गया। और धीरे धीरे जैसे आप इधर शिफ्ट होते जाओगे वैसे वैसे कॉइन आपको और ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, और ऊपर उठता हुआ दिखाई देता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप शिफ्ट हुए शिफ्ट हुए शिफ्ट हुए, एक लिमिट आएगी, एक पॉइंट आएगा जहां से आपको कॉइन नहीं दिखाई देगा। जहां से आप देखोगे कि आप पानी के अंदर देख रहे हो लेकिन आपको कॉइन ही नहीं दिख रहा है। जैसे कि कहीं यहां पे खड़ा हो गया मैं, तो यहां से मुझे दिख तो रहा है पानी के अंदर लेकिन मुझे कॉइन दिखाई नहीं देगा। दिस इज अ मैजिक कि आप शिफ्ट होते जा रहे हो, शिफ्ट होते जा रहे हो, कॉइन उठता जा रहा है, उठता जा रहा है, और एक लिमिट बाद कॉइन गायब, कॉइन गायब हो गया। कॉइन गायब हुआ कैसे? मुझे कॉइन दिख क्यों नहीं रहा? मैं पानी के अंदर ही तो देख रहा हूं फिर भी कॉइन नहीं दिख रहा। उस चीज का हम रीजन समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इधर शिफ्ट होता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 था, I1 छोटा है, I2 उससे बड़ा हुआ, और आगे जाएंगे तो I3 और बड़ा होगा, और आगे जाएंगे तो I4 और बड़ा होगा। ऐसे करके जैसे जैसे मैं इस तरफ शिफ्ट होते जाऊंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। ओके, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो और बड़ा होता जाएगा। क्यों बड़ा होता जाएगा? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ऑलरेडी एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा ही होगा। बड़ा ही क्यों होगा? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो डेंसर से रेयरर में लाइट जाती है तो उसमें रिफ्रैक्शन जो होता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। सो इट मींस जैसे जैसे मैं अपनी आईज को यहां शिफ्ट करते जाऊंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक लिमिट आएगी कि जब लाइट रे कॉइन से निकल के इस तरह से इस पॉइंट पे, इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी, लेट से कुछ एंगल पे, तो फाइनली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते 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 90 डिग्री हो जाएगा। एंड यू विल फाइंड कि जो लाइट रे है वो कुछ इस तरह से चली जाएगी। ओके, कैसा हुआ? ये बढ़ता गया बढ़ता गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक लिमिट बाद किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री और लाइट रे बिल्कुल ऐसी चली गई। तो अगर आप यहां खड़े होके इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आप इसे देख पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि लाइट रे ऐसी चली गई, पानी की सरफेस पे चलती चली गई, पानी की सरफेस पे चलती चलती और सीधी निकल गई। ओके, ऐसा कुछ हुआ। तो इट मींस अगर मैं इससे और थोड़ा आगे शिफ्ट होऊंगा तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा, हम उसको ड्रॉ करके देखते हैं। जब आप और आगे शिफ्ट होके फाइनली कहीं लेट से यहां पे कॉइन से निकलने वाली रे फाइनली कहीं अगर यहां पे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? हमने देखा कि यहां पे जब थी तो 90 डिग्री हो चुका है एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहां पे 90 डिग्री हो चुका है। तो अब ये वाला एंगल तो इससे भी बड़ा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे था उस हमें ये एंगल 90 था, लेकिन अभी मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, तो इट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा। किससे बढ़ेगा? 90 से भी ज्यादा हो जाएगा। सोचिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से भी ज्यादा बढ़ गया तो फाइनली यू विल फाइंड कि जो लाइट रे ऐसी आके इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुई है ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी। एंड वन मोर कॉमन ऑब्जर्वेशन यू विल फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर होंगे। सो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो लाइट रे जिस मीडियम से आ रही थी इस वक्त उसी मीडियम में लौट गई, ऐसा हमने कहां देखा है? ऐसा हमने रिफ्लेक्शन में देखा है।
रिफ्लेक्शन में आपने देखा कि लाइट रे जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में लौट जाती है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होते हैं। तो क्या यहां पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। हम देखते हैं कि मीडियम जो है वो वाटर है, लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है मतलब वाटर से आ रही है और वाटर में ही रिबाउंड बैक हो जाती है, तो ठीक है हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन है। लेकिन फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होने चाहिए, रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए। तो हाँ ये चीज होगी, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन से यू विल फाइंड कि ये दोनों बराबर होंगे। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंस रे कौन सी है, ये वाली इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये नॉर्मल विल लाई इन द सेम प्लेन। तो क्या ये तीनों सेम प्लेन में लाई कर रही है? यस yes. ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करती हैं। इट मींस यहां पे जो फिनोमेना हो रहा है वो रिफ्रैक्शन नहीं है, वो फिनोमेना रिफ्रैक्शन नहीं है। तो फिर कौन सा फिनोमेना है? वो फिनोमेना रिफ्लेक्शन है। दिस फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो दिस इज शॉकिंग कि लाइट रे अभी तक रिफ्रैक्ट हो रही थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहां पे अचानक से रिफ्लेक्शन कैसे हो गया? तो आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था इस वक्त यहां पे 90 डिग्री हो चुका है एंड ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं आई सी, आई सी, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहां पे आके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया तो और आगे जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा, 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा एंड फाइनली यू विल फाइंड कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा है? ये वाला, दिस इज द रिफ्रैक्शन एंगल। पर रिफ्लेक्शन एंगल कौन सा है? ये वाला नॉर्मल के साथ जो बन रहा है, और आपको दिखेगा कि ये दोनों बराबर है। सो दिस इज वेरी शॉकिंग ऑब्जर्वेशन कि रिफ्रैक्शन होते 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 रिफ्लेक्शन हो गया, तो कर कुछ और रहे थे और कुछ ही हो गया। सो यहां पे हम ये देखेंगे कि ये जो एंगल है एंगल आई सी, आई सी एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। आई सी एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ओके। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? आई सी को क्रिटिकल एंगल इसलिए बोलते हैं बिकॉज एट दिस एंगल, एट दिस एंगल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है? 90 डिग्रीज। सो यू विल फाइंड IC is what? IC is the angle जहां पे angle of refraction is 90 degree। और क्या कह सकते हैं? और IC जो incidence angle है, अब जैसे ही ये IC से angle में और बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं इधर move करूंगा तो क्या होगा? Angle of incidence IC से भी बढ़ेगा। तो IC से just ऊपर जो भी angle होगा वहां पे refraction की बजाय क्या हो जाएगा? Reflection। So और क्या लिख सकते हैं IC के बारे में? Angle which is greater than IC will suffer reflection। उसमें हमें reflection देखने को मिलेगा। और अब ये जो reflection हुआ है, मैंने कहा था आपको कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो दो चीजें होती है कि एक तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा एंड यू विल फाइंड कि लाइट रे जो यहां से निकल के इस पॉइंट पे टकरा रही है वो बिल्कुल 100% पूरी तरह से
पानी के अंदर ही लौट जाएगी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। अगर लाइट की कुछ एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन आप ये देखेंगे कि कॉइन से निकलने वाली पूरी की पूरी लाइट रे, पूरी की पूरी लाइट की एनर्जी अंदर की तरफ पानी में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस फिनोमेना एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसीलिए हम इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मींस कि पूरी पूरी लाइट अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सो वी विल राइट 100% लाइट एनर्जी विल गेट रिफ्लेक्टेड इनसाइड वाटर। 100% लाइट एनर्जी पानी के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, सो इट मींस हम ये देखते हैं कि जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट एनर्जी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई। किसके अंदर? पानी के अंदर ही। इट मींस जब लाइट इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई तो वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ। ओके, सो एनर्जी अगर लॉस नहीं हुई तो क्या मैं इस चीज को यूज कर सकता हूं किसी पर्पस के लिए? एनर्जी का लॉस तो हुआ नहीं, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने पे एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं हुआ, पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब जितनी एनर्जी लाइट में यहां से आई थी उतनी की उतनी पानी में लौट गई। ओके, तो हमने ये देखा कि एनर्जी कहां थी? यहां पे। ओके, लाइट कौन सी थी? जो कॉइन के ऊपर लाइट गिर रही थी वो लाइट, वो एनर्जी इस वक्त कॉइन पे थी। लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होके यहां से निकली तो जो ये एनर्जी निकल रही है, जो लाइट रे निकल रही है, इस लाइट रे की भी एनर्जी उतनी ही है जितनी इस लाइट रे की है। मतलब इंसिडेंट लाइट रे में जो एनर्जी है वही की वही एनर्जी रिफ्लेक्टेड लाइट रे में भी है। सो मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त यहां से एनर्जी यहां पे ट्रेवल कर गई, एनर्जी यहां से यहां पे ट्रेवल कर गई विदाउट एनी लॉस। यहां पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, लाइट एनर्जी बड़े आराम से यहां पे ट्रेवल कर गई। क्या ये और आगे भी ट्रेवल कर सकती है? हाँ, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर इसको मैं वापस से कहीं पे इंसिडेंट कराऊं, ठीक है, इंसिडेंट इस तरह से कराऊं कि जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। किस तरह से इंसिडेंट कराऊं कि जो इंसिडेंस एंगल हो इस लाइट रे का वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, ताकि जब भी वो इंसिडेंट हो तो अगेन वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो उससे मैं एनर्जी को और आगे ले जा सकता हूं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस लिए यूज हो सकता है? एनर्जी को आगे ट्रांसमिट करने में, एनर्जी को आगे भेजने में, कि और आगे जाना है, और आगे जाना है। तो हमने कहा कि जैसा मैंने कहा आपको कि आप मैसेजिंग करते हैं तो मैसेजिंग यहां से यूएस तक कैसे चली जाती? वो लाइट से जाती है। लाइट से कैसे जाती है? लाइट एनर्जी इस तरह से ट्रेवल करती है। इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिससे लाइट एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो आपने यहां से मैसेज भेजा, वो एनर्जी जो है, वो मैसेज जो है, वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट हम मान लेते हैं कि वो जो मैसेज है वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होते होते इस तरह से उसको रिफ्लेक्शन किया जाता है और वो फाइनली ट्रेवल करके यूएस पहुंच जाता है। ओके, फॉर टाइम बीइंग जस्ट अज्यूम दिस। और ये जो होता है, ये जो फिनोमेना लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर आपने टर्म सुना होगा, ओएफसी केबल जिसे हम बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में इस तरह से ये रिफ्लेक्शन होता है, और ये यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन मतलब इधर से उधर बात करने के लिए, कि लाइट को वहां भेजते हैं, फिर वो कुछ बोलते हैं तो लाइट को यहां भेजते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में जो हम बोल रहे हैं। ओके, जो आप बोलते हैं, जो आपकी स्पीच है, इस स्पीच को भी लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करते हैं वो हमारा कंसर्न नहीं। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि लाइट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। किसमें? ऑप्टिकल फाइबर में। ओके, सो दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे हमारा रिफ्रैक्शन का बेसिक पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम
लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और किस तरह से उपयोग किए जाते हैं. ओके, सो यू कैन नोट दिस एंड थैंक यू.